हेलो फ्रेंड्स, गेट रेडी टू स्कैरी में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, एक लड़की जिसका नाम था विक्टोरिया, और विक्टोरिया अभी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर बैठी हुई है और मोबाइल में अपना यूट्यूब चैनल चेक कर रही है, जहां पर वह ब्लॉग बनाकर डालती है। चैनल देखने के बाद वह उदास होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। विक्टोरिया को उदास देख उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वे अपनी बेटी के चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जिसके बाद उसके डैड जोकर का कॉस्ट्यूम पहनकर और उसकी मॉम कैंगरू का कॉस्ट्यूम पहनकर हर गली गली में जाकर विक्टोरिया के चैनल का पोस्टर चिपकाते हैं, और कई सारे लोगों को अपनी बेटी का चैनल दिखाकर उनसे सब्सक्राइब भी करवाते हैं। काफ़ी देर ये सब करने के बाद उसके पेरेंट्स वापस घर चले जाते हैं। विक्टोरिया जब स्कूल से घर लौट रही होती है, तभी वह रास्ते में अपने चैनल का पोस्टर देखती है, और घर आकर जब वो अपना चैनल देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसके कुछ सब्सक्राइबर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन सभी वीडियोज पर डिसलाइक काफ़ी ज़्यादा है और पूरा कमेंट बॉक्स निगेटिव कमेंट से भरा हुआ है, जिसमें सभी लोग उसे कह रहे हैं, तुम एक लूजर हो, तुमने अपना चैनल ग्रो करवाने के लिए अपने पेरेंट्स का यूज किया है। ये सब देखने के बाद विक्टोरिया गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाती है और रोते हुए एक अबॉन्डेड एम्यूजमेंट पार्क में चली जाती है। विक्टोरिया जिस पार्क में जाती है, पहले उस पार्क में लोगों की भीड़ कभी कम ही नहीं होती थी। हर दिन ये पार्क लोगों से भरा हुआ रहता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। दरअसल उस पार्क में मौजूद एक ट्रेन जिसका नाम था थॉमस, और वह एक दिन कई सारे बच्चों को बैठाकर टनल के अंदर चला गया और फिर गायब हो गया। जब उस टनल के अंदर पुलिस जांच करने के लिए गए तो उन्हें उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, और इस इंसिडेंट के बाद एम्यूजमेंट पार्क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और वहां पर रहने वाले सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को उस पार्क में जाने से मना करते हैं। लेकिन गुस्से में विक्टोरिया उसी पार्क में चली गई। पार्क में जाते ही अचानक से बारिश शुरू हो गया, जिसके बाद विक्टोरिया बारिश से बचने के लिए बिना कुछ सोचे टनल में चली गई। टनल के अंदर कुछ समय चलने के बाद अचानक से विक्टोरिया को एक मेटेलिक साउंड सुनाई दिया, और फिर धीरे धीरे उसे कुछ दिखाई देने लगा। ये और कोई नहीं बल्कि थॉमस था। थॉमस को देखने के बाद विक्टोरिया खुश हो जाती है और उसके पास चली जाती है, क्योंकि विक्टोरिया बचपन से ही थॉमस को एक बार देखना चाहती थी। पास जाते ही थॉमस ने अचानक से अपनी आंखें खोली, और ये देखते ही विक्टोरिया को लगा कि थॉमस अब भी काम करता है। देखते ही देखते थॉमस की आंखें रेड हो गई, और उसकी आंखों से निकलती हुई लाल रोशनी टनल से अंधेरे को दूर कर दिया। रोशनी होने के बाद विक्टोरिया ने इधर उधर देखा तो लेफ्ट साइड में उसे एक कंकाल दिखा, जो मकड़ी के जालों से लिपटा हुआ था। ये देखते ही विक्टोरिया समझ गई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और फिर तभी थॉमस ने स्माइल किया और उसके चिमनी से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद थॉमस विक्टोरिया के पास आने लगा। विक्टोरिया समझ नहीं पा रही थी कि वह अब क्या करे। डर के मारे विक्टोरिया टनल में बाहर की ओर भागने लगी, यह सोचते हुए कि अगर वह ट्रैक पर से उतर गई तो वह बच जाएगी। थॉमस विक्टोरिया को बस पकड़ने ही वाला था कि तभी वह ट्रैक पर से उतर गई। बचने के बाद विक्टोरिया अपने मोबाइल में थॉमस को रिकॉर्ड करने लगी कि तभी अचानक से थॉमस जोर जोर से हिलने लगा, और लंबे स्पाइडर लेग्स उसके अंदर से निकलने लगा। अब वह बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह दिख रहा था। थॉमस ट्रैक पर से नीचे उतरा, जिसके बाद विक्टोरिया चिल्लाते हुए ऑब्जर्वेशन व्हील के पास चली गई, जो सालों से बंद था। ऑब्जर्वेशन व्हील को चलाने के लिए वो कंट्रोल पैनल में सभी बटन्स को दबाने लगी। अचानक से ऑब्जर्वेशन व्हील स्टार्ट हो गया, और विक्टोरिया जाकर एक सीट पर बैठ गई और वहां से थॉमस को रिकॉर्ड करने लगी कि तभी थॉमस ऑब्जर्वेशन व्हील पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद विक्टोरिया काफ़ी ज़्यादा डर गई और सोचने लगी कि अब वह क्या करे। थॉमस के काफ़ी ज़्यादा वेट
डेथ के कारण ऑब्जर्वेशन व्हील हिलने लगा, जिसके बाद विक्टोरिया जल्दी से अपने पेरेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया और फिर थॉमस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से कूद गई और गेट की तरफ भागने लगी। थॉमस भी उसके पीछे आ ही रहा था कि तभी ऑब्जर्वेशन व्हील उसके ऊपर गिर गया, जिसके बाद विक्टोरिया अपने घर पहुँच गई और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया, जिसके बाद वे सभी उस जगह को छोड़कर वहां से दूर चले गए और विक्टोरिया अपना चैनल ग्रो करने के लिए खुद से कड़ी मेहनत करने लगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप ऐसे ही और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्केरी को अभी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।